जय मसीह की। दोस्तों परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। दोस्तों अभी मैंने आपको एक वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखाया जो कि मैं आपने इस वीडियो में देखा, और ये वीडियो जो है टेंडी नगर का है, और यहाँ पर जो है एक ईसाई भाई लोग थे, यहाँ पर दो लोग थे एक फैमिली में, मतलब वहाँ पर घर में बैठकर और जब भोजन करने का समय हुआ था तब वहाँ पर बैठकर लोग जो है प्रार्थना कर रहे थे, तभी वहाँ पर बजरंग दल के कुछ लोग वहाँ पर घुस गए घर के अंदर, और वहाँ पर उन लोगों ने उनके साथ क्या किया आइए हम इस वीडियो में देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ने कल 5 हमले झेले हैं, जबकि हमारा पवित्र दिन इतवार होता है जिसके दिन हम प्रार्थना करते हैं अपने घरों में। डीडी नगर में बेमतलब के 10 लोग अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे, उनको घुस के मारपीट करके उठा के थाने में बंद किया गया। गुंडरदेही का भी वही हमला था, वही मामला था। महासमुंद में दोपहर को 12 बजे 1 बजे 7 लोगों का परिवार बैठ के अपना भोजन कर रहा है, और भोजन करने के पहले जैसे हमारी प्रथा है प्रार्थना करने की, तो वो प्रार्थना कर रहे थे आप खाने के लिए, उतने में ये लोग अंदर आ गए, घुस गए, मारपीट कर दिया। और कितना दिल दहलाने वाला यह दृश्य है, देखिए उनको मारते पीटते ले जा रहे हैं, और उसके 2 साल के बच्चे को अकेला घर में छोड़ दिया है जो बिलख बिलख के रो रहा है। क्या यही हिंदुत्व है? क्या यही आप लोग इस किस्म से हिंदुत्व को स्थापित कर रहे हैं? और रात को तक जाके पुलिस आ गई, थाने में ले जा करके उसको बंद कर दिया, और फिर जब हम लोगों ने हस्तक्षेप किया, हमने काउंटर FIR लिखाया, तब फिर जाके हड़कंप मचा है, और आरोप है कि वो जो झोपड़ी में रहने वाला है उसने 10 लाख रुपए देने का वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है उसको दिया है। इस बात को तो हम उच्च न्यायालय तक लेके जाएंगे कि वो 10 लाख कहाँ से उसको आए, मिले, किसने दिया, विश्व हिंदू परिषद ने तो नहीं दिया, झंझट करने के लिए ये सब बातों की तफ्तीश होगी। वैसे ही सूरजपुर में पकड़ करके बंद कर दिया, कोई कारण नहीं, कोई कुछ नहीं, वो महिलाओं को फिर बाद में छोड़ दिया। अरे जय अपराधी थे तो महिलाओं को भी बंद करिए, आप लोग सबको बंद करिए, पूरा जितने ईसाई है सबको थाने में बंद कर दीजिए, बड़ी बड़ी जेल बना दीजिए। आसाम में चालू हो गया है, छत्तीसगढ़ सरकार में अगर विष्णु सहाय सरकार यही चाहती है तो मेरी इनसे गुजारिश है कि कुछ बड़े बड़े यहाँ पे जेल बना दीजिए, और जितना ईसाई समुदाय है सबको जेलों में डाल दीजिए, हम वहाँ अपने दुआ प्रार्थना कम से कम शांति से तो कर सके। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा कि कैसे यहाँ पर बजरंग दल के लोगों ने इस महिला के, ईसाई महिला और यहाँ पर जो ईसाई भाई थे, दोनों लोग घर में बैठकर और भोजन करने के समय यहाँ पर प्रार्थना करने जा रहे थे, तभी यहाँ पर बजरंग दल के कुछ लोग यहाँ पर आए और इनके साथ जो है यहाँ पर बहुत से गलत से व्यवहार किए, बहुत गलत सलत इनको बोले, और इनको मारते पीटते थाने में ले गए, और इनका जो है बच्चा था 2 साल का वो घर में अकेले रोता रहा वहाँ पर जो है, और इनकी हैवानियत आप देखिए, यहाँ पर ये दिल दहलाने वाला वीडियो है, यहाँ पर किस हिसाब से ये लोग जो है उन लोगों को मारते पीटते ले गए थाने में, और वो बच्चा घर में अकेले पड़ा रहा वहाँ पर रोता रहा। दोस्तों यहाँ पर ये अपने आप को ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और ये जो लोग काम कर रहे हैं ये हिंदू का काम नहीं है, ये एक जो है हैवानियत का काम है, ये एक जो है गुंडे का काम है जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये एक हिंदू का काम नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू जो है हिंसक कभी नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पर जो है आपने वीडियो में देखा कैसे यहाँ पर लोगों ने इनके साथ व्यवहार किया, अब आप कमेंट करके बताइए कि इस हिसाब से लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आखिर इनके अंदर खासियत क्या है, और इनके अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने का एक जो व्यवहार होता है वो इनके अंदर आपको दिखा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो लोग ये हरकत कर रहे हैं, जिस हिसाब से ये लोग जो है लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जैसे मन में आ रहा है वैसे कर रहे हैं, तो इस हिसाब से ये लोग हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, और ये लोग जब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो इनके मन में और इनके दिल में जो चल रहा है, जो जिस हिसाब से ये लोग लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र बनने में ये देश बचेगा।
दोस्तों यहाँ पर आपने इस वीडियो को देखा और यहाँ पर जो वीडियो में आपने देखा कैसे इन लोगों को मारते पीटते लोग ले जा रहे थे। दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को जय मसीह की।